अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट कैन बी ट्रांसफ़र्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन थ्री वेज। हीट एक जगह से दूसरी जगह तीन तरीकों से ट्रांसफ़र कर सकती है, हो सकती है। कंडक्शन, पहला मेथड जो है वो है कंडक्शन। हीट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, हीट सॉलिड्स के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। यू विल नो दिस इफ़ यू हैव एवर ट्राइड स्ट्रिंग हॉट सोप इन अ सॉसपैन विद अ मेटल स्पून। हीट एनर्जी फ्रोज क्विकली फ्राम द सोप थ्रू दिस स्पून टू यूर फिंगर्स विच सून बिगिन टू गेट हॉट। एग्जाम्पल देता है कि अगर आप एक डेगची में सूप को एक मेटल चम्मच के ज़रिए से हिला रहे हैं तो जो उसकी हीट एनर्जी होगी वो मेटल स्पून के ज़रिए आपकी फिंगर तक आने लग जाएगी, पहुँच जाएगी। द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज अ मेटल इज कॉल्ड कंडक्शन। कि जो हीट की मूवमेंट है थ्रू अ सॉलिड, जो मेटल स्पॉन है इसमें, तो वो जो हीट की ट्रांसफ़र है वो जो प्रोसेस उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। द मेटल स्पॉन कंडक्ट्स हीट फ्रॉम द हॉट सूप टू योर हैंड। वो मेटल स्पॉन जो है वो हीट का ज़रिया बनता है, हीट को पहुंचाता है सूप से आपके हाथ तक। मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज हीट कैन ट्रेवल थ्रू दैम ईजीली। मेटल्स जो हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर्स हैं, उनमें से हीट ज़्यादा पास होती है क्योंकि हीट कैन ट्रेवल थ्रू दैम ईजीली, उनसे आसानी से पास हो सकती है। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल सो दैट द हीट फ्राम द कुकर कैन गेट टू फूड क्विकली। कुकर्स होते हैं वो कुकिंग मटेरियल जो होते हैं, कुकर हो गए, ये मेटल के बने हुए होते हैं ताकि जो कुकर है वो आसानी से हीट हासिल कर सके और जल्दी खाना तैयार हो जाए। नॉन मेटल सॉलिड सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक टेंड टू बी पुअर कंडक्टर्स एंड सो डू मोस्ट लिक्विड्स। नॉन मेटल्स हैं उन जैसे कि ग्लास और प्लास्टिक है, उनमें से हीट आसानी से पास नहीं हो सकती, वो पुअर कंडक्टर्स हैं। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। पुअर कंडक्टर्स जिनमें जो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते वो उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। एयर जो क्या है, जो हीट का क्या है, गुड इंसुलेटर है। मटेरियल सच एज फर, फीदर्स, वूल, प्लास्टिक, फोम एंड ग्लास आर मिनरल फूड आर गुड इंसुलेटर्स बिकॉज दे कंटेन पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर। ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, फोम हो गया, प्लास्टिक फोम, ग्लास, ये इंसुलेटर्स हैं, गुड इंसुलेटर्स हैं। नेक्स्ट, कंडक्शन एंड द काइनेटिक थ्योरी। कंडक्शन और काइनेटिक थ्योरी का आपस में तलो। इफ़ वन एंड ऑफ अ मेटल बार इज़ हीटेड। अगर हमारे पास एक मेटल बार है और उसके एक एंड को हम क्या करें, हीट प्रोवाइड करें, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, द पार्टिकल्स गेन थर्मल एनर्जी। पार्टिकल्स जो होंगे उस मेटल बार के, वो क्या गेन करेंगे, थर्मल एनर्जी गेन करेंगे एंड वाइब्रेट फास्टर, और उनकी जो वाइब्रेशन होगी वो तेज़ हो जाएगी। दिस कॉजेज द पार्टिकल्स नेक्स्ट टू देम टू वाइब्रेट फास्टर एज वेल एज। पहला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो वो अगले को थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, अगला नेक्स्ट अगले को ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह से ये बेट बाई बेट the increased vibration of particles is passed along the bar until the whole bar is hot. hatta ki ye sara bar kya ho jayega, hot ho jayega, garam ho jayega. heat has been conducted along the bar. to jo heat hogi wo sare bar mein conduct ho jayegi. particle vibrates more quickly when heated. jab मेटल बार को गर्म किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट्स करते हैं। सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ पास्ड ऑन टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। एक जो पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो अपने साथी मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, विच पास इट ऑन टू देयर नेबर्स, वो अगले को अगले पड़ोसी को मुंतकिल करते हैं एनर्जी एंड सो ऑन, हद तक कि वो सारा जो मेटल बार होता है वो हीट कंडक्ट कर लेता है। तो टेस्ट यूर सेल्फ, ये क्वेश्चंस हैं, चार क्वेश्चंस हैं, आई थिंक इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो आसानी से हो जाएंगे। विच मटेरियल्स मेक द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, कौन से मटेरियल्स हैं जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हैं, व्हाट इज़ इन इंसुलेटर,
नेम थ्री इंसुलेटर्स, ये पांच छह नेम अबव हमने पढ़े हैं, वो आप लिखते हैं कि सजेस्ट वाई, ये चौथा क्वेश्चन है, तो आप ये आप कीजिएगा। नोट नीट नोटबुक्स पे भी लिखने हैं और प्रिपेयर भी करने हैं, ये आपका टास्क है। थैंक यू।